नमस्कार दोस्तों, मैं मोहन सुथार, स्मार्ट काउंटिंग आरसीआर के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, 6 दिसंबर 2020 को आरसीआईटी का एग्जाम है, टाइम बहुत कम बचे हैं और कोविड के चलते आप प्रॉपरली सही तरीके से क्लास भी ज्वाइन नहीं कर पाए और आपकी पढ़ाई काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब भी हुई है। इसे देखते हुए हम आरसीआईटी एग्जाम में आने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो लगातार इस चैनल पर अपलोड कर रहे हैं और ये आज हमारा 5वां वीडियो है। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल के कोई भी वीडियो नहीं देखे हैं आरसीईटी एग्जाम 2020 के रिलेटेड, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो के साथ साथ आप हमारे आरसीईटी एग्जाम से रिलेटेड जो पुराने वीडियो हैं उन्हें भी जरूर देखें, क्योंकि ये सारे वीडियो आपको आरसीईटी एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेंगे। और दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट, अभी तक आपने इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लेना, क्योंकि हम कोशिश करेंगे भी 5 दिसंबर 2020 तक ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की जो वीडियो है लेसन वाइज वो आप तक हम पहुंचा सकें। तो इसके लिए आपको चैनल को करना होगा सब्सक्राइब और साथ में जो बेल आइकन का बटन दिया हुआ है उसे प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करना होगा। तो दोस्तों, ये काम आप जरूर कर लेना और शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर से रिलेटेड आरसीईटी एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम क्वेश्चन की शुरुआत करें, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी, अगर आपने जिस सेंटर से भी फॉर्म भरवाया था आरसीईटी का और आपका भी एग्जाम 6 दिसंबर 2020 को है, तो अगर आपने जो नंबर अपना मोबाइल नंबर आरसीईटी का फॉर्म भरते वक्त जो दिया था और अब आज के टाइम में अगर आपका वो नंबर स्विच ऑफ या आपने बंद कर दिया है, तो जो आपका नया नंबर है जल्दी से जल्दी आप उस सेंटर पे अपडेट करवाएं, ताकि आपको एडमिट कार्ड की सूचना दी जा सके और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको वहां से मिल सके। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, भी हार्डवेयर को किसके द्वारा नियंत्रण किया जाता है? डेटा, फाइल, सॉफ्टवेयर या विंडोज? तो इसका सही आंसर रहेगा सॉफ्टवेयर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 2, फ्लैश मेमोरी रोम, ईपी रोम इत्यादि के उदाहरण है रैम, नॉन वॉलेटाइल रोम या उपरोक्त सभी? तो सही आंसर रहेगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 3, डेटा का संग्रहण कहाँ किया जा सकता है? तो सही आंसर इसका मेमोरी में। क्वेश्चन नंबर 4, कंप्यूटर के भंडारण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी माप की सबसे बड़ी इकाई है? तो आंसर रहेगा टीबी, यानी कि टेराबाइट। अगर दोस्तों, अगर ऑप्शन आप में अगर टीबी आपको नहीं मिले तो उस कंडीशन में ये ऑप्शन है जो जीबी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, डिजिटल सिस्टम में सबसे छोटा यूनिट कौन सा है? तो आंसर रहेगा बिट, यानी कि बिट सबसे छोटी इकाई होती है। क्वेश्चन नंबर 6, मॉनिटर में रिफ्रेश दर किस में मापा जा सकता है? तो सही आंसर इसका हर्ट्ज। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सा अक्षर और प्रतीकों की पहचान के लिए प्रयोग किया जाता है? तो सही आंसर इसका ओसीआर, यानी कि ऑप्टिकल करेक्टर रीडर। ओएमआर की फुल फॉर्म ऑप्टिकल मार्क रीडर, जो कि आपका आरसीटी एग्जाम है जो ओएमआर सीट पे ही होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 8, अंतर्राष्ट्रीय भाषाएं जैसे चीनी, हिंदी, जापानी को बाइनरी कोडिंग का वर्णन करने के लिए इस्तेमाल में ली जाने वाली योजना है? तो सही आंसर इसका यूनिकोड। क्वेश्चन नंबर 9, 3D प्रिंटर का उपयोग क्या है? तो इसका सही आंसर भौतिक वस्तुओं का निर्माण करना। क्वेश्चन नंबर 10, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के स्क्रीन सेवर हैं? तो इसका सही आंसर रहेगा एक प्रोग्राम है जो कंप्यूटर पर इमेज, एनिमेशन या कुछ समय तक कोई इनपुट न मिलने पर ब्लैंक स्क्रीन दिखाता है। जैसे कि हम कोई वर्किंग कर रहे हैं, अगर हमने इस पे टाइम पीरियड लगा रखा है 1 मिनट के लिए या 50 सेकेंड या 40 सेकेंड, तो उसके बाद में कंप्यूटर ऑटोमेटिक है जो स्क्रीन ब्लैंक हो जाती है, या अगर आपने कोई स्क्रीन सेवर लगा रखा है तो वो स्क्रीन सेवर ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, एक ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य है रिसोर्स मैनेजमेंट, प्रोग्राम क्रियान्वयन, एप्लीकेशन और यूजर के बीच इंटरफेस या उपरोक्त सभी? तो ये सारे काम है जो ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 12, विंडोज 10 में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं किया जा सकता, वर्ड फाइल का उपयोग करके, इंटरनेट के द्वारा, पैकेज
पेन ड्राइव से सीधे, या सीडी ड्राइव ऑप्शन भी हो सकता है, डीवीडी ड्राइव भी ऑप्शन हो सकता है, या विंडो स्टोर के माध्यम से। तो हम नहीं कर सकते तो वो कर सकते हैं, वर्ड फाइल का उपयोग करके कोई भी सॉफ्टवेयर हम इंस्टॉल नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 13, विंडोज 10 में कौन सा वेब ब्राउजर इंटरनेट एक्सप्लोरर से बदल दिया गया है? तो सही आंसर इसका माइक्रोसॉफ्ट एज। क्वेश्चन नंबर 14, वीजीए कार्ड क्या है? तो सही आंसर इसका ग्राफिक एडेप्टर कार्ड। क्वेश्चन नंबर 15, रैम का पूरा नाम क्या है? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 16, सूचना का समूह क्या है? तो सही आंसर इसका फाइल। क्वेश्चन नंबर 17, विंडो 10 में विंडो डिफेंडर क्या होता है? तो रिकवरी सॉफ्टवेयर, एंटीवायरस, या रियल टाइम एंटीवायरस। तो इसका सही आंसर रहेगा रियल टाइम एंटीवायरस, यानी कि विंडोज डिफेंडर रियल टाइम एंटीवायरस होता है। क्वेश्चन नंबर 18, डेटा उपयोगी नहीं है जब तक कि यह जानकारी प्राप्त करने हेतु संसाधित है, या बड़े पैमाने पर है, सही टेबल का निर्माण नहीं किया गया हो, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर रहेगा यह जानकारी प्राप्त करने हेतु संसाधित है। क्वेश्चन नंबर 19, वर्तमान समय में कंप्यूटर प्रणाली में संग्रहण हेतु हाई डेफिनेशन मानक का प्रकार है? तो सही आंसर इसका ब्लू रे डिस्क। क्वेश्चन नंबर 20, कंप्यूटर सिस्टम की संरचना में लेयर होती है, हार्डवेयर की, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की, या सिस्टम सॉफ्टवेयर की, या उपरोक्त सभी। तो इन सभी सिस्टम से इस संरचना जो ये मिलकर एक कंप्यूटर सिस्टम है जो तैयार होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 21, टास्क बार में ब्लॉक के दूसरी तरफ बटन और सिस्टम ट्रे को क्या कहते हैं? तो सही आंसर रहेगा इसका स्टार्ट बटन। क्वेश्चन नंबर 22, ग्राफिक यूजर इंटरफेस का उदाहरण है, यानी कि GUI, GUI की भी फुल फॉर्म है ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस। तो इसका सही आंसर रहेगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 23, कंप्यूटर हार्डवेयर और यूजर के बीच मध्यस्थता का कार्य इन सभी एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को मैनेज करता है? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 24, पर्सनल कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम का नवीनतम वर्जन है जिसे माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है? तो सही आंसर इसका विंडोज 10, यानी कि जो अभी प्रेजेंट टाइम में ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 25, कमांड लाइन इंटरफेस का उदाहरण है विंडो 10, एमएस डोस, या यूनिक्स, या बी एंड सी दोनों, यानी कि एमएस डोस और यूनिक्स दोनों कमांड लाइन इंटरफेस के उदाहरण है, क्योंकि इन दोनों ऑप्शन में कमांड के द्वारा ऑप्शन में जो लिख के कमांड दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 26, डिस्क को फ्रैगमेंट कर सिस्टम की दक्षता को बढ़ाया जा सकता है, इसके लिए डिस्क टूल्स का प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए हम डिस्क क्लीनअप का भी यूज कर सकते हैं, और डीग्रेमिनेटर्स का भी हम यूज कर सकते हैं। तो इसलिए ऑप्शन हो जाएगा ए व बी दोनों। अगर इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन आ जाता है, अगर ए होता है तो ए सही हो जाएगा, बी है तो बी सही हो जाएगा, अगर दोनों है तो ए और बी दोनों सही रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 27, प्रोग्राम कंप्यूटर डेटा को मैनेज, रिपेयर और ऑप्टिमाइज करता है? तो सही आंसर इसका रहेगा यूटिलिटीज और बेसिक एप्लीकेशन, यानी कि ए और बी दोनों ऑप्शन इसके लिए सही है। क्वेश्चन नंबर 28, कंप्यूटर में फाइल्स की लोकेशन और ड्राइव कहाँ दिखाता है? तो सही आंसर इसका विंडोज एक्सप्लोरर। क्वेश्चन नंबर 29, कंप्यूटर को बूट करने का तात्पर्य है, यानी कि कंप्यूटर को बूट करने से क्या होता है? तो सही आंसर इसका कंप्यूटर स्टार्ट करना होता है। इसे बूट करने का मतलब बूटिंग प्रक्रिया का, हम कंप्यूटर को स्टार्ट करना बूटिंग प्रक्रिया कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 30, फाइल और फोल्डर को परमानेंट डिलीट करने के लिए क्या किया जाता है, यानी कि कौन सी कीज का यूज किया जाता है? तो सही आंसर इसका शिफ्ट प्लस डिलीट। अगर हम सीधा डिलीट करेंगे तो वो एक अस्थायी रूप से रिसाइकल बिन में चली जाती है, अगर हम शिफ्ट प्लस डिलीट करेंगे किसी फाइल को या किसी फोल्डर को सेलेक्ट करके, तो वो हमारे सिस्टम से परमानेंटली डिलीट हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 31, ओपन प्रोग्राम्स की विंडो के बीच स्विच कर सकते हैं? तो एल्ट प्लस टैब, या टास्क यू बटन, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। हम एल्ट प्लस टैब से भी दो, या उससे अगर कोई ज्यादा कोई विंडो प्रोग्राम्स अगर ओपन है तो उन दोनों को स्विच कर सकते हैं। तो एल्ट प्लस टैब से भी कर सकते हैं और टास्क व्यू बटन से भी कर सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 32, स्नैपिंग टूल से किस प्रकार के स्नैपिंग्स को कैप्चर कर सकते हैं? फुल स्क्रीन, रेक्टगुलर या फ्री फॉर्म विंडो या उपरोक्त सभी, यानी कि इन सभी ऑप्शन को कैप्चर कर सकते हैं, तो सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 33, यह डेस्कटॉप बैकग्राउंड पिक्चर आइकॉन और टास्क बार का समूह होता है, तो सही आंसर रहेगा इसका डेस्कटॉप। क्वेश्चन नंबर 34, कोर्टाना क्या है? तो सही आंसर रहेगा विंडो 10 में अंतर्निर्मित डिजिटल निजी सहायक। क्वेश्चन नंबर 35, कंट्रोल पैनल में विकल्प है जिसके द्वारा हम डिवाइस की ऊर्जा खपत का प्रबंधन कर सकते हैं, तो पावर विकल्प ऑप्शन होता है, जिसे कि हम हमारी जो ऊर्जा होती है यानी कि जो लाइट होती है उसे कंट्रोल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, हजारों पिक्सल से बनी छवियों को क्या कहते हैं? तो सही आंसर रहेगा इसका बिट मैप। क्वेश्चन नंबर 37, वर्ड प्रोसेसर जो कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा है, तो सही आंसर रहेगा इसका वर्ड पैड। क्वेश्चन नंबर 38, बार कोड रीडर एक डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस या इनपुट आउटपुट दोनों या प्रिंटिंग डिवाइस, तो बार कोड है जो इनपुट डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर 39, नॉर्मल कीबोर्ड में फंक्शन कुंजियों की संख्या होती है, यानी कि नॉर्मल फंक्शन कीज कितनी होती है? तो सही आंसर रहेगा 12, यानी कि F1 से लेके F12 तक जो कीज होती है उन्हें फंक्शन कीज कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, इंटरग्रेटेड और कंपाइलर दोनों समय होते हैं, यानी कि सही आंसर इसका रहेगा प्रोग्राम्स, यानी कि ये दोनों जो प्रोग्राम्स होते हैं, सॉफ्टवेयर भी नहीं होते, हार्डवेयर भी नहीं होते, तो ये सही आंसर रहेगा ए, प्रोग्राम्स। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसे लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी जरूर कर देना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।